उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के दुदही बहुपुरवा रेलवे क्रॉसिंग पर एक दर्दनाक हादसे में 13 स्कूली बच्चों की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर स्कूली बच्चों से भरी वैन पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। हादसे की जानकारी मिलते ही सीएम योगी ने आनन फानन में घटना स्थल पर जाने का फैसला किया, लेकिन आक्रोशित भीड़ ने उन्हें जाने से रोक। लोगों ने योगी मुर्दाबाद के नारे लगाए। दूसरी तरफ रेलवे बोर्ड ने अपने बयान में हादसे से पल्ला झाड़ने की कोशिश की। सुबह करीब 6:50 पर सिवान से गोरखपुर जाने वाली रेलगाड़ी से डिवाइन मिशन स्कूल के बच्चों से भरी स्कूल वैन टाटा मैजिक टकरा गई, जिससे वैन के परखच्चे उड़ गए। मौके पर ही 13 बच्चों की मौत हो गई तथा 5 गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना का कारण बताया जा रहा है कि स्कूल वैन का चालक मोबाइल फोन से बात कर रहा था, जिसकी वजह से उसे ट्रेन की आवाज नहीं सुनाई दी। रेलवे क्रॉसिंग पर मौजूद लोग भी वैन चालक को रोकने के लिए चिल्लाते रहे, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया।